बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पर पूरी तरीके से घोड़े की जो पाँव है उनका निशान है और ये मुंह है जिससे घोड़े उसी जमाने का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं फ़याज़ अहमद नाइकू आपकी खदमत में फिर से एक बार हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है कि इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह की सवानह के बारे में आपसे चंद गुज़ारिशात की थी और उसमें हमने ये भी कहा था कि हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने किन किन मकामात पर अल्लाह माबूद बरहक हज़रत अल्लाह की इबादत और रियाजत की थी। उन इन मकामात के नस्बत बहुत सारी तवारीख मौजूद है और सबसे पहले जिस जगह का हमने नाम दिया था वो पिंडोबल है। और पिंडोबल की एक खासियत ये है कि वहाँ पर हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने लगभग कमोबेश 12 साल इबादत की थी और इन 12 सालों में हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह से इतनी ज़्यादा कुर्बत हासिल की थी कि अल्लाह के सामने अल्लाह के रूबरू हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बार एक दुआ की थी। क्योंकि अशमकाम में जहाँ पर इनका ज़ियारत शरीफ आज वाका है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत, सख्त किल्लत थी और लोग जो उस ज़माने में वहाँ पे आबाद थे उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी मगर पानी अवेलेबल न था। और इसके लिए हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह से दुआ की थी मगर ये दुआ खास दुआ पंडोबल में की थी। वहाँ पर अल्लाह से हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह ने रजू किया कि ए अल्लाह, हमारे जो लोग हैं, मेरे जो मुरीद हैं, वो पानी की मुश्किलात से दोचार होते हैं, अब कोई इनायत ऐसी हो जाए कि वहाँ पर पानी मैसर हो जाए। तो उस रियाजत में अल्लाह की जानिब से एक इंदिया दिया गया था और उस इंदिया के मातहत इन्हें बताया गया कि आप एक अशमकाम से दूर 1 किलोमीटर आइनू का एक गांव है वहाँ पर आप जाए और वहाँ पर एक चिनार का एक दरख्त है, उस चिनार के दरख्त के जो जड़ है वहाँ पर एक ज़र्ब दीजिए, वहाँ से एक पानी का चश्मा फूटेगा और उस पानी के चश्मे को आप अशमकाम की तरफ ले जाएंगे और इसकी एक स्कीम रहेगी, आप अपने आसाई मुबारक को अपने हाथ में थमाएंगे और उसको अपनी पीछे तरफ रखेंगे और आप आगे आगे जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई थी कि आप पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। तो उस बयान की हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने अशमकाम की तरफ रुख किया और ये जो पानी है, ये जो चश्मा फूटा था, हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह के पीछे पीछे आ गया और जिस चश्मे से इतना पानी निकल गया कि पूरा जो गाँव था, अशमकाम का गाँव था, वो सैराब हो गया। एक बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, वो ये है कि अशमकाम जाते जाते एक महला पड़ता है जिसको नाडंदर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पहुँचकर हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने पीछे की तरफ देखा, ये जानकर कि मेरे पीछे पीछे पानी चल रहा है। तो जो ही हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह ने पीछे देखने की कोशिश की तो ऐसा होता है कि जो पानी वो निकल रहा है वो छलांग मारता है निचले हिस्से की तरह, जिसको नाड़ंदर कहते हैं। और वरना
ये जो पानी है इसकी रसाई पूरी जियारत शरीफ तक पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंचकर एक यहाँ पे एक करामाती पत्थर मौजूद है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि उस वक्त जब हजरत जनाब वली रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त उस घोड़े ने भी यहाँ पर पानी पिया था, और उस घोड़े के जो पांव हैं वो अभी भी इस करामाती पत्थर पर सब्त है। मैं अपने कैमरामैन मैन को बताना चाहूँगा कि वो इस पत्थर को नाजरीन के तक पहुँचाएँ, वो दिखाएँ कि आया कि इस पत्थर में वो निशान मौजूद है या नहीं। ये रहा वो पत्थर, आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से घोड़े के जो पांव हैं उनका निशान है, और ये मुंह है जिससे घोड़े ने पानी पिया था वो भी यहाँ पर दिखाई पूरी तरीके से दिखाई देता है। आप देखें ये है वो जगह, ये है वो पत्थर, करामाती पत्थर, उस घोड़े ने पानी पिया था। और ये पत्थर शाहिद है कि ये जो करामात थी ये कोई आम करामात नहीं थी। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हज़रत सफ़ी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हमें बिल्कुल एक कुरान का एक सूरा याद आता है, सूरह बकरा, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि आप अपने लोगों के लिए पानी निकाल सकते हैं। जिस अंदाजे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि आप इस पत्थर से 12 चश्मे निकाल सकते हैं, उसी तरीके से उसी सुन्नत को अपनाते हुए हज़रत सफ़ी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आसा यहाँ पर मारकर यहाँ पे एक पानी का चश्मा नमूदार किया, और जिस पानी के चश्मे से पूरा गांव, अश्मकाम का पूरा गांव सैराब हुआ। मैं अपने कैमरा मैन से बताना चाहता हूँ कि आप ये दिखाएं ये जगह, कैसे यहाँ के लोगों ने इस जगह को महफूज किया है, कैसे इन लोगों ने यहाँ पे इस जगह के इर्द गिर्द तैमीर किया है, ताकि ये जगह आइंदा आने वाले नस्लों को ये सबक दे कि हमारे जो औलिया इकराम हैं उन्होंने अल्लाह की इबादत को रियाजत करके कौन कौन सी करामतें हमारे सामने और कौन कौन सी सहूलियातें हमारे सामने रखी हैं। ये है वो चिनार जो अभी भी मौजूद है, और इसके पीछे एक और दरख्त है। अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि वो भी बताए। ये है बैक साइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो है वो ब्रिंजकुल, ये भी उसी ज़माने का दरख्त है जब हज़रत सफ़ी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पे उनके लिए अल्लाह के नमोदार किया था, जाहिर किया था। हम तमाम नागरिक को बताना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और देखें कि हज़रत सफ़ी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुद से अपने इबादत और रियाजत से अल्लाह की रूहियत पाई हुई और सब क्या क्या ये जो चश्मा है ये मेरा कुछ हिदायत कुछ करम कुछ इनायत कुछ रहम ओ अल्लाह। ये एक हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, जहाँ पर जिस ज़ियारत पर से आप जाएंगे वहाँ पर आप मस्जिद शरीफ देखेंगे, वहाँ के लोगों ने
इस किसी भी मस्जिद शरीफ को डैमेज किया हुआ होता है, ये जानकर कि यहाँ पे जो भी जायरीन आएगा वो यहाँ पर इबादत अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये भी इससे कि जो हमारे औलिया इकराम हैं वो कैसे किस चीज़ को अल्लाह के रियाजत और इबादत को कितनी फौक किया सकते हैं। और आज भी यहाँ पे यहाँ के लोगों ने, आइनों के लोगों ने इस खूबसूरत मस्जिद शरीफ को डैमेज किया है जो आपके सामने।